आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मार्वेल की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द गार्डन, या आपने इसे थॉट्स इन अ गार्डन नाम से भी सुना होगा। ये जो पोएम थी ये 1681 में मिसलिनियस पोएम्स नाम की कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। पोएम 72 लाइंस की है और 9 ऑक्टेव्स यानी 8 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। हर ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी। अब फ्रेंड्स इस पोएम का टाइटल देखिए द गार्डन, या आपने सुना होगा थॉट्स इन अ गार्डन, यानी एक गार्डन में किस तरह के थॉट्स आए हैं। पोएम कुछ इस तरह से समझने वाली है कि जो पोएट हैं वो एक गार्डन में वॉक कर रहे हैं, अपने दिन की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे परेशान होकर एक रिफ्रेशमेंट के लिए, मूड को रिफ्रेश करने के लिए वो गार्डन में टहल रहे हैं, और वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे देखकर उनके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं उन्होंने उसे इस पोएम में लिखा है। पोएम में कुछ बेसिक थीम्स को डिस्कस किया गया है जिसमें नेचुरल ब्यूटी और पोएटिक इमेजिनेशन, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी नेचर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और पोएट उस नेचर को देखकर क्या कुछ इमेजिन कर रहे हैं। ये सब कुछ हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें पोएट की तो फ्रेंड्स एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। उनकी वर्क्स में कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस किया जाता था जिनमें लव होता था, और ज़्यादातर जो थीम्स होते थे वो सेक्सुअल और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर होते थे। उनकी फेमस वर्क्स में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपॉन एपल्टन हाउस, द गार्डन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। हाउ वेनली मेन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम, द ओक और बीज। यानी जो मेन होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कितना प्राउड फील करते हैं, क्या करने के लिए, तो जीतने के लिए, पाम के पत्तों को, ओक के पत्तों को या बेज के पत्तों को। अब पत्तों को जीतने से यहाँ पर मतलब है जो पत्तों के क्राउन मिलते थे। पुराने ज़माने में अगर कोई जीतता था तो उसे डिफरेंट क्राउन्स दिए जाते थे। यहाँ जो पाम है वो विक्ट्री का सिंबल होता था, जो ओक है वो लीडरशिप का सिंबल होता था, और बेज जो है वो पोएटिक टैलेंट का सिंबल था। तो इन चीज़ों में जब कोई अच्छा होता था तो उसे इन पत्तों का क्राउन दिया जाता था। तो वो क्राउन पाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत करते थे, सिर्फ उन पत्तों का क्राउन पाने के लिए। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी क्राउंड फ्रॉम सिंगल हर्ब और ट्री। और जो उनका अनसेसेंट लेबर्स था, यानी जो लगातार वो लेबर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो भी क्या पाने के लिए, तो एक क्राउन पाने के लिए जो कि सिर्फ एक कोई हर्ब या ट्री का था। यानी या तो उन्हें पाम के क्राउन्स मिलते या ओक के क्राउन्स, किसी एक पेड़ का कोई क्राउन मिलता, और इसके लिए वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे। हु शॉर्ट एंड नैरो वर्ज शेड डस प्रूडेंटली देयर टॉयल्स अपब्रेड। और जिसकी जो छोटी और नैरो यानी संकरी जो परछाई पड़ती है, शेड जो होती है पेड़ की परछाई, वो क्या करती है, वो उनकी मेहनत का कह सकते हैं मजाक उड़ाती है। क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते हैं उस पेड़ में, पत्तों के लिए मेहनत करनी है तो पेड़ों में तो कितने पत्ते होते हैं, इतनी ज़्यादा छांव मिलती है, तो कह सकते हैं कि वो जो पत्ते हैं उन पेड़ों में वो उनकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। While all flowers and all trees do close to weave the garlands of repose. जबकि जितने भी फूल हैं और जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पेड़ हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में एक गार्लैंड, एक माला बुनते हैं, और ये माला किसकी होती है, तो रिपोज की यानी शांति की, पीस की। एक माला है जो ह्यूमंस पाना चाहते हैं पत्तों की, लेकिन वो उनकी विक्ट्री को, उनके टैलेंट को दिखाता है, लेकिन इन पेड़ों के पास खुद की एक माला है और वो माला है शांति, कामनेस की, पीस की। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। फेयर क्वाइट यानी जो क्वाइटनेस होती है, चुप्पी या शांति, वो मुझे यहाँ मिली है, और साथ ही मुझे क्या मिला है, तो इनोसेंस जो कि क्वाइटनेस की सिस्टर है। और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, तो उस गार्डन में, यानी गार्डन में एक तरह की शांति है, एक तरह की इनोसेंस है जो पोएट ढूंढ रहे थे और वो उन्हें वहाँ मिल गई।
मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन. और पहले जब मैं मिस्टेकन था, जब मैं गलत था, तो मैं इस क्वाइटनेस को, इनोसेंस को कहाँ ढूंढ रहा था, तो लोगों की कंपनीज़ में, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ मेहनत होती थी. मुझे लगता था कि शायद वहाँ तुम मुझे मिलोगी, लेकिन मैं गलत था, मिस्टेकन था. योर सेक्रेट प्लांट्स इफ हियर बिलो ओनली अमोंग द प्लांट्स विल ग्रो. तुम्हारे जो सीक्रेट प्लांट्स हैं, यानी जो क्वाइटनेस का पौधा होगा, ये सिंबॉलिक है, जो क्वाइटनेस का पौधा है, इनोसेंस का पौधा है, वो आखिर मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा, तो इन सभी पेड़ पौधों के बीच में, इस गार्डन में. सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड टू दिस डिलिशियस सॉलिट्यूड. और जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो बहुत ही रूड है, बहुत गलत तरीके से बिहेव करता है. किसके लिए? तो इस सॉलिट्यूड के लिए, इस अकेलेपन के लिए. फ्रेंड्स, सॉलिट्यूड जो होता है वो इन अ पॉजिटिव वे होता है, यानी ऐसा अकेलापन जो हम चाहते हैं, जिसे हम खुद से चुनते हैं. तो ये जो अकेलापन है, ये हमें भले ही बहुत पसंद आता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो हमें पाने नहीं देगी. वो हमें फ़ोर्स करेगी कंपनीज़ में जाने के लिए, और जब हम दूसरे लोगों की कंपनी में रहेंगे, तो ना हमें क्वाइटनेस मिलेगी और ना ही इनोसेंस मिलेगी. नो वाइट नॉ रेड वॉज एवर सीन सो एमोरस एज दिस लवली ग्रीन. अब यहाँ पर तीन कलर्स का एग्जांपल दिया गया है. ये जो वाइट और रेड है, ये विमेन के लिए यूज़ हुआ है. वाइट फॉर देयर कॉम्प्लेक्शन, उनके स्किन के कलर के लिए, एंड रेड फॉर देयर लिप्स, उनके होंठों का कलर. तो ये जो दोनों ही कलर हैं, वाइट और रेड, ये कभी भी इतने एमोरस नहीं थे, इतने कलरफुल, इतने ब्यूटिफुल नहीं थे, जितना ब्यूटिफुल क्या है तो ये ग्रीन, ये पेड़ पौधों का जो ग्रीन कलर है, उसके मुकाबले वो वाइट और रेड कुछ भी नहीं थे. Fond lovers, cruel as their flame, cut in these trees their mistress name. और जो fond lovers होते हैं, जो प्यार में डूबे हुए आशिक होते हैं, वो बिल्कुल cruel होते हैं. किसकी तरह? तो उस फ्लेम की तरह, उस प्यार की आग की तरह जो उनके अंदर है. जिस तरह प्यार की आग उन्हें परेशान किए रहती है, उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो भी उस आग की तरह हो गए हैं. कभी चैन से नहीं रहते और बहुत ही रूड हो चुके हैं. तो वो क्या करते हैं, वो इन पेड़ों में अपनी मिस्ट्रेस, अपनी लवर का नाम कट करके लिख देते हैं. अक्सर आपने देखा होगा, लोग पेड़ों को उकेर देते हैं, उन पर नाम लिख देते हैं, तो यहाँ उसी की बात हो रही है. Little alas, they know or heed how far these beauties hers exceed. यानी शायद ही, बहुत कम या शायद ही वो ये बात जानते होंगे कि ये जो खूबसूरती है, ये नेचर की, पेड़ पौधों की जो खूबसूरती है, वो उससे ज़्यादा है. यानी उनकी लवर की जो खूबसूरती है, उससे वो खूबसूरती ज़्यादा है. Fair trees, wheresoever your banks barks I wound, No name shall but your own be found. यानी जो पोएट हैं, वो पेड़ों से कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कभी करूं, जिस तरह से वो लवर्स करते हैं, तुम्हारे ऊपर नाम कट करके अपनी लवर का नाम लिख देते हैं, तो अगर मैंने ऐसा कभी किया कि मैं तुम्हारे बार्क्स पर, तुम्हारे तनों पर कुछ लिखूंगा, तो वो नाम होगा भी तो किसका होगा? सिर्फ तुम्हारा होगा. मैं किसी लवर का नाम नहीं लिखने वाला हूँ, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, क्योंकि जो ब्यूटी है वो तुम्हारी ब्यूटी है. तुम्हारी ब्यूटी सबसे ज़्यादा है, और कोई विमेन की जो ब्यूटी है वो कभी इससे कंपेयर नहीं कर सकती है. When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat. और जब हमारा ये जो पैशन है, हमारा ये जो प्यार है, इसकी हीट ख़त्म हो चुकी है, ये जो प्यार की आग है वो बुझने लगती है, और जो ये प्यार है वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, अब उतना ज़्यादा हम प्यार में डूबे नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, हम लौट कर आते हैं इस गार्डन में, यानी नेचर में लौट कर आते हैं. द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस. यानी वो भगवान जो किसी मॉर्टल ब्यूटी को, यानी किसी ह्यूमन वुमेन को पसंद करते थे, उसे पाना चाहते थे, उनकी भी ये जो ढूंढने की चाहत थी, ये जो रेस थी जहाँ वो अपनी लवर को ढूंढ रहे थे, वो आकर एक पेड़ में ख़त्म होती है. उनकी लवर उन्हें कहाँ मिलती है? तो नेचर में, एक पेड़ के रूप में. अब यहाँ ये चीज़ क्यों यूज़ हुई है? तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो हमारी माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड.
Apollo hunted Daphne so only that she might laurel grow. अब यहाँ गॉड अपोलो की बात हो रही है कि उन्हें डैफने से प्यार हो गया था और वो डैफने को पाना चाहते थे, लेकिन ये जो डैफने थी वो उनसे बचना चाहती थी और इसके लिए उसने क्या किया, खुद को लॉरेल नाम के एक पौधे में बदल दिया. उसी तरह एंड पैन डिड आफ्टर साइरिंग स्पीड नॉट एज निम्फ बट फॉर अ रीड. और ये जो पैन गॉड थे वो साइरिंग्स नाम की एक निम्फ, एक परी को पाना चाहते थे, लेकिन वो भी उनसे बचना चाहती थी और उनसे बचने के लिए उसने खुद को एक रीड में, एक जंगली पौधे में बदल दिया. तो यहाँ पर पोइट ये समझा रहे हैं कि जो गॉड्स हैं वो भी अपने प्यार को एक मॉर्टल रूप में, एक ह्यूमन रूप में नहीं पा सके. अगर उन्हें उनका प्यार मिला भी तो नेचर में इन पौधों के रूप में मिला. What wondrous life in this I lead. Ripe apples drop about my head. यानी ये कितनी ही wondrous, कितनी beautiful ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के चक्करों में नहीं हूँ. मैं किसी के प्यार में नहीं डूबा हुआ हूँ या मैं पेड़ों पर नाम नहीं उकेर रहा हूँ. तो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी ही wondrous है. और साथ ही जो पके हुए apples होते हैं, ripe apples यानी पके हुए apples जो हैं वो बिल्कुल मेरे माथे पर ही गिर रहे हैं. तो इस गार्डन में मुझे एप्पल्स मिल रहे हैं. द लुशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन. और जो वाइन्स होती है, VINE वाइन्स, इसका मतलब होता है बेल. तो ये जो बेलें हैं तो इन बेलों पर ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं. और वो जो गुच्छे हैं, क्लस्टर्स हैं, वो बहुत ही लशियस हैं, जूसी हैं. तो वो क्या करते हैं, वो मेरे मुंह में अपना वाइन, अपना जूस देते हैं. मैं उन फलों का रस एंजॉय कर सकता हूँ. द नेक्टराइन एंड क्यूरियस पीच इन टू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच. और इसी तरह से पीच जो कि एक फ्रूट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जूसी है, वो भी क्या करता है, खुद ब खुद ही मानो मेरे हाथों में आ जाता है. यानी मेरे चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं. Stumbling on melons as I pass, ensnared with flowers, I fall on grass. साथ ही जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे आगे बहुत सारे melons हैं, water melons हैं, और उस पर मेरा पैर टकरा जाता है. मैं stumble कर जाता हूँ, लड़खड़ा जाता हूँ. लेकिन लड़खड़ाने के बाद जब मैं ग्रास पर, घास पर गिर जाता हूँ तो चारों तरफ से जो फूल हैं वो मुझे घेर लेते हैं. तो एक तरह से यहाँ पर पोइट जो है वो बिल्कुल अपने इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं कि जो गार्डन के फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं उसमें वो खुद को कैसे इंजॉय कर रहे हैं. मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस विथड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस. अब इस तरह से ये जो इन्जॉय मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने फिज़िकली इन्जॉय किया, मैंने इन चीज़ों को देखा, खाया, पिया, लेकिन ये जो मेरा माइंड है इसके लिए ये प्लेजर अभी भी कम है, अभी भी ये पूरी तरह से खुश नहीं है. और इसलिए ये खुद अपनी ही हैप्पीनेस में वापस से घुस जाता है. ये इस गार्डन की ब्यूटी से भी बाहर निकल कर अपनी इसकी जो हैप्पीनेस है ये वहाँ चला जाता है. द माइंड दैट ओशन वेयर ईच काइंड Does straight its own resemblance find. अब पोइट कहते हैं कि ये जो हमारा माइंड है वो एक तरह का ओशियन है. जिस तरह से एक बड़ा समुद्र होता है, महासागर होता है, बिल्कुल वैसा है. और जैसा ये मेरा माइंड है ये बिल्कुल वैसी ही अपनी एक रिजेंबलेंस को, एक बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ को ढूंढ लेता है. जिस तरह समुद्र होता है, एक ओशियन होता है उसके जैसा दूसरा ओशियन होता है, और ये ओशियन कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं. तो बिल्कुल उसी तरह मेरा माइंड जो है वो अपना रिजेंबलेंस ढूंढ रहा है, और तभी उसे वो खुशी मिलेगी जो वो चाहता है. येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज. फिर भी ये जो मेरा माइंड है ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है, ये नई चीज़ें बनाता है जो कि इस दुनिया और इस समुद्र, इन सभी से बहुत आगे हैं. यानी ये जो माइंड है इसकी सोच रुकती नहीं है, ये अपनी हैप्पीनेस के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जाता है और इमेजिनेशन के थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है. एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड. एनिहिलेटिंग यानी रिमूविंग या रिड्यूसिंग. तो ये जो मेरा माइंड है ये सब कुछ रिमूव कर देता है, जितनी भी पुरानी
सोच हैं, जितनी भी सोच मैं लेकर इस गार्डन में मैंने एंटर किया था, वो सारी सोचों को मुझसे दूर कर देता है, बिल्कुल मेरे माइंड को फ्रेश कर देता है। किसके लिए? तो एक ग्रीन थॉट के लिए, यानी एक न्यू और एक पॉजिटिव थॉट के लिए, जो मैं कहाँ पर सोचूंगा, तो इस ग्रीन शेड में, इन पत्तों के जो छांव हैं उस पर बैठ कर सोचूंगा। यानी माइंड जो है मेरा पूरी तरह से फ्रेश हो चुका है और मुझे चांस दे रहा है कि मैं कुछ अच्छा सोचूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो मुझे नई नई चीज़ें सोचने का मौका दे रहा है। हियर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फूट और एट सम फ्रूट ट्रीज मॉसी रूट, यानी यहाँ जहाँ पर जो फाउंटेन है, जो झरना है, उसके पास स्लाइडिंग फूट है, फिसलन भरी जगह है, या किसी पेड़ के तने के पास जो उसका रूट है, जड़ है, उस पर मॉस है यानी काई जमी हुई है, तो इन जगहों पर क्या हो जाती है, बहुत फिसलन हो जाती है, लोग स्लिप कर जाते हैं। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू द बोज डज ग्लाइड, और यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो क्या करती है, अपनी बॉडी, ये जो बॉडी मेरी है जो कि उसके लिए एक कपड़े की तरह, एक वेस्ट की तरह है, उसे वो बगल रख देती है और उड़ती हुई वो उन बोझ में, बोझ का मतलब होता है डालियाँ, डालियों में उड़ती हुई वो चली जाती है। यानी मेरी जो सोल है वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह है, उसने क्या किया है, इस कपड़े को, ये जो मेरा शरीर है ये बिल्कुल एक कपड़े की तरह है, उसे पीछे छोड़ दिया है और वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह उड़ती हुई उन डालियों में चली गई है। देयर लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स देन वेट्स एंड कॉम्स इट्स सिल्वर विंग्स, वहाँ बैठकर वो क्या करती है, वो गाने गाती है, और जिस तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है, अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ़ करती हैं, उन्हें सहलाती हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो अपने पंखों को साफ़ कर रही है। यानी आत्मा को यहाँ पर एक बर्ड की तरह देखा जा रहा है। एंटिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट, और साथ ही ये जो मेरी सोल है ये खुद को एक लॉन्गर फ्लाइट, एक लंबी उड़ान के लिए तैयार कर रही है। यानी अभी तक जो मेरी सोच थी, जो कुछ मैंने इमेजिन किया था, ये सब तो एक छोटी सी जर्नी थी, अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है और यहाँ इस गार्डन में मेरी आत्मा खुद को उस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रही है, और ऐसा करने के लिए वो अपने प्ल्यूम्स यानी अपने पंखों में से उस लाइट को पास होने दे रही है जो कि बिल्कुल वेव्स में आ रही है, जो सनलाइट है उसे वेव्स में अपने से पास होने दे रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पेड़ों से वो लाइट पास होती है। सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट अ मेट, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन था उस गार्डन का। कौन से गार्डन का बात हो रहा है यहाँ पे? तो ईडन गार्डन, जो गार्डन ऑफ हेवन था, वहाँ की बात हो रही है कि बिल्कुल ऐसा ही वो गार्डन भी था जहाँ मैन पहली बार वॉक कर रहा था और उसके साथ कोई मेट नहीं थी। यानी यहाँ पर बात हो रही है एडम की, यानी जब भगवान ने सबसे पहले एडम को बनाया था तो जो खुशी उसे मिली थी उस गार्डन में जाकर, वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर, उस खुशी की बात हो रही है। और ये खुशी कब तक थी? जब तक गॉड ने उसके लिए कोई मेट नहीं बनाया था, यानी ईव को नहीं बनाया था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट, यानी इतनी खूबसूरत जगह के बाद जो कि इतनी ज़्यादा प्योर हो, इतनी मिठास हो, इतनी अच्छी हो, उसके बाद आखिर आपको किस हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको क्या चाहिए होगा और इतनी खूबसूरत जगह मिलने के बाद। बट ट्वाज बियॉन्ड अ मॉर्टल शेयर टू वैंडर सॉलिटरी देयर, लेकिन ये किसी मॉर्टल के, किसी ह्यूमन की नसीब में नहीं था कि वो उस गार्डन में सॉलिटरी घूमे, बिल्कुल अकेले घूमे। जब गॉड ने एडम को बनाया तो उसके बाद उन्होंने ईव को भी बनाया, क्योंकि एडम अकेले बोर हो जाता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो हैप्पीनेस थी वो सिर्फ तभी तक थी जब तक एडम अलोन था। एडम के साथ जैसे ही पार्टनर आई, ईव आई, वो जो हैप्पीनेस थी, वो जो गार्डन की जो ब्यूटी थी वो गायब हो गई। टू पैराडाइज ड्वेल इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन, अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब एडम अकेले रहता था उस पैराडाइस में, हेवन के उस गार्डन में, तो वो एक साथ दो पैराडाइस में रह रहा था, दो हेवेंस में रह रहा था।
क्यों? पहला हेवन तो ये कि वो खुद ही एक हेवन में, हेवन के गार्डन में रहता था, और दूसरा हेवन ये कि वो अकेले रहता था, उसके पास कोई पार्टनर नहीं थी, कोई उसकी लवर नहीं थी। तो वो जो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उससे एडम आज़ाद था, और इसलिए एक साथ वो दो हेवन्स को इन्जॉय कर रहा था। अब इस लास्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो वापस से गार्डन ऑफ हेवन से लौट करके वापस से अपने गार्डन में आ जाते हैं जहाँ वो घूम रहे हैं, और कहते हैं, हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू अ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। यानी यहाँ पर जो गार्डनर था, जो यहाँ पर गार्डन की देखभाल करता है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना स्किलफुल है कि उसने इन फ्लावर्स और हर्ब्स से क्या किया, एक डायल बनाया, एक सन डायल बनाया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, सन डायल इस तरह की होती है। तो ये जो गार्डनर था वो कितना ज़्यादा स्मार्ट रहा होगा कि उसने ये सन डायल बनाया, वो भी फ्लावर्स से और प्लांट से। वेयर फ्रॉम अबव द माइल्डर सन डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट जोडियक रन। और जहाँ पर क्या होता है, जो माइल्डर सन यानी जो सन की रोशनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो इस डायल पर पड़ती है, और एक तरह की जब खुशबू फैल रही होती है तब ये डायल काम करता है, हम समय बताते हैं इस डायल से। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। और जब ये डायल काम करता है तो जो इंडस्ट्रियस बी है, बी यानी मक्खी, मधुमक्खी जो होती है, जो कि बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत मेहनती है, वो भी उस डायल से अपना समय उसी तरह समझती है जिस तरह हम समझते हैं। यानी जैसे एक मधुमक्खी को पता चलता है कि हाँ अभी सही समय है, अभी मुझे फूलों पर जाना चाहिए, ठीक वैसे ही हम भी अपना समय समझते हैं। तो क्या ये सब कुछ उस गार्डन में जो सन डायल बना हुआ है उसके कारण हो रहा है? हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स। कैसे ये जो ब्यूटिफुल आवर्स हैं, ये जो समय बीतता जा रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ही कंप्लीट है, बहुत ही मीठा है, उसे हम इन फूलों से और इस तरह के प्लांट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आखिर कैसे ये जो नेचर की ब्यूटी है ये टाइम के साथ कंपेयर करती है? और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम में जो पोएट हैं वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि लाइफ में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सॉलिटरीनेस होता है, जो अकेलापन होता है, उसे हमें इंजॉय करना है। और अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अकेले रहना है, हमें एक लवर, एक बिलवर्ड नहीं चाहिए होगा, और साथ ही नेचर की जो खूबसूरती होगी वो भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी, तभी हमारी लाइफ जो है वो पीसफुल बनेगी। तो फ्रेंड्स ये थी एंड्रयू मार्वेल की पोयम द गार्डन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।